देखिए, मैं सबसे पहले आपको उस स्पॉट से क्या भयानक मंजर रहा था और अब क्या है वो दिखाता हूँ। मैं दरअसल टोम्बिवली के MIDC के फेज नंबर 2 में हूँ, जहाँ पर कि वो ब्लास्ट हुआ था बॉयलर में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है कि खंडहर हो चुका है। आप ये देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, धमाका जो हुआ उसने कितना नुकसान किया है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि जो सब कुछ साफ़ हो चुका है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो फैक्ट्री थी जिसके कि बॉयलर में धमाका हुआ, और उसके ये जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको खंडहर दिखाई पड़ रहे हैं, सब कुछ जो फैक्ट्री थी, शेड थी, बड़े बड़े लोहे के गर्डर हैं जो उड़ चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं। ये एक चिमनी आपको दिखाई पड़ रही होगी, देखिए चिमनी का एक खंभा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से जड़ से उखड़ कर पूरा यहाँ से गिर चुका है। अभी भी सामने आपको आग दिखाई पड़ रही होगी, लोहे के गर्डर पूरी की तरह से मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। ये एक फैक्ट्री है, देखिए किस तरह से उजड़ गई है। फोम है, जो दमकल कर्मी है यहाँ पे अभी फोम मार रहे हैं ताकि सब कुछ शांत किया जा सके। तो और पूरे वातावरण में आप देखेंगे तो धुआं फैला हुआ है, केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैला हुआ है। यहाँ ठीक से खड़े रह पाना, बोलने में भी तकलीफ है। कुछ जो केमिकल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह के रंग उड़ रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर भी सब देखिए रंग जैसे इस तरह के रंग आने शुरू हो गए हैं। तो ये पूरा का पूरा स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। जो हादसा हुआ ये जो बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब हुआ। जो फैक्ट्री थी यहाँ पर अंबर, उसके बॉयलर में धमाका हुआ, बॉयलर बोलते हैं कि उड़ गया और उड़ कर शायद इस तरफ कहीं पड़ा हुआ है। हालांकि पूरी तरफ एक खतरा है, ज़्यादा आगे जाने नहीं दे रहे हैं पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी, इसीलिए हम यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से साफ उस जो भी हुआ उसकी भयावहता को, उसके भयंकर मंजर को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो धमाका हुआ, उसमें कई लोग उस समय काम कर रहे थे, बताया जा रहा था कि महिलाएँ ज़्यादा थी जो उस समय फैक्ट्री में काम की थी। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर दमकल कर्मी या फिर दूसरे लोग हैं जिन्होंने लोगों को बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को निकाला है, और इसका जो असर है अगल बगल की सभी फैक्ट्री में दिखाई पड़ा है, जिस तरह की हम देख रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो बहुत से लोग ज़्यादा घायल हो गए, हालांकि सरकार की तरफ से 25 से 30 अभी बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं, और कितने लोग फंसे हो सकते ये नहीं अभी तक बताया जा चुका है। लेकिन आप देखिए कि जो फैक्ट्री थी वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। यहाँ पर एक बड़ा खड्डा वहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, और अगल बगल के सभी जो है फैक्ट्रीज है वो सभी के सभी उड़ चुकी है, सब खंडहर हो चुकी है। उसके उस तरफ पीछे की तरफ रिहायशी मकान है, दुकान है, वहाँ पर भी हम गए थे, उनकी भी शीशे जो है खिड़कियों के शीशे पूरे के पूरे टूट चुके हैं, जो जो दरवाजे थे वो पूरे के पूरे से उखड़ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि कुल कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं और कितने लोग अभी इसमें अंदर फंसे हो सकते हैं। तो वो तभी पता चल पाएगा जब कि आग पूरी तरह से बुझ पाएगी, और उसके बाद ही लोग जा पाएंगे नज़दीक निकालने के। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो दमकल कर्मी हैं वो यहाँ पर फोम का बौछार कर रहे हैं ताकि आग को बुझाया जा सके, क्योंकि केमिकल की आग है तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि फोम भी यहाँ पे छिड़कना पड़ रहा है, और जहाँ पर आग लगी वहाँ पर पानी की भी बौछार मारी जा रही है। तो यहाँ पर इसके पहले जो स्थानीय सांसद शिखा सिंधे आकर जा चुके हैं, उद्योग मंत्री उदय सामंत यहाँ पर आ चुके हैं, और अब बताया जा रहा है कि इसी तरह का हादसा कुछ साल पहले यहाँ पर हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की मौत हुई थी। तब भी आवाज़ उठी थी कि अभी चूंकि रिहायशी इलाका हो चुका है पूरा, तो यहाँ से ये केमिकल की फैक्ट्री हटाई जाए, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो है नेता जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब हम इस पर एक मीटिंग लेंगे, बैठक लेंगे, योजना बनाई जाएगी ताकि जो भी अब केमिकल फैक्ट्रियाँ जो है जो कि ज़्यादा हैजार्डस यानी कि खतरनाक हैं, उन्हें यहाँ से हटाकर कहीं और उन्हें विस्थापित किया जाएगा या उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं तो स्थिति बहुत ही यहाँ पर भयावह बनी हुई है। देखिए इस तरफ के भी जो फैक्ट्री थी ये फैक्ट्री अभी पूरी तरह से उजड़ चुकी है, सब कुछ जहाँ देखिए वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ पर भी टाँकिया है और सब कुछ बिखर चुका है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि साबूत बचा हो जिस पे कि धमाके का असर नहीं हुआ हो। साफ तौर पर स्थिति बहुत ही भयावह इस समय है, जबकि जब धमाका हुआ था तब क्या हुआ रहेगा और किस तरह की भगदड़ रही होगी, कैसे लोगों की जान पर बनाई होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। Sunil ji, so over 6 people have died, which is very tragic. And now the deputy CM has also come forward and said that more rescue teams have been rushed to the spot. Also tell us what kind of work is happening from the side of the administration. Clearly, there are more rescue teams in, at work there. And the ones who have been injured, at least 20 people have been injured. Any news about them? देखिए यहाँ पर अभी जो प्राथमिकता है वो आग पर काबू पाने की है। अगल बगल की जो फैक्ट्री थी जहाँ की जो पूरी तरह से उजड़ चुकी है वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जहाँ पर धमाका हुआ था, जहाँ पे आग लगी है, केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या स्थिति है, कितने लोग थे
वो अभी पता नहीं चल पाया है। तो दमकल के विभाग के यहाँ के स्थानीय जितने भी हैं, कल्याण से लेकर ठाणे, बुमराह, डोंबिवली, सभी विभाग के दमकल कर्मियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। NDRF को भी बुलाया गया है। सामने देखिए NDRF की टीम भी है जो यहाँ पर खड़ी है, इंतजार कर रही है। SDRF की टीमें हैं, तो अलग अलग जगहों पर सभी अपना काम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस जो आग लगी हुई है वह उसको बुझा लिया जाए, और उसके बाद अगर कोई उसमें फंसा होगा तो उसे निकालने की फिलहाल कोशिश की जाएगी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जो दो चार लोगों को निकाला गया है, बता रहे हैं वो महिलाएं थी, और वो अभी तक कैमरे पे हालांकि बात करने के लिए फिलहाल कोई अधिकारी यहाँ पर तैयार नहीं है। वो महिलाएं जो थी एकदम स्थिति उनकी बहुत ही खराब थी, इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएगी। हालांकि उन्हें यहाँ से निकाल कर अस्पताल ले जाया गया है, तो सही आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितने लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं, ये कोई भी अधिकारी फिलहाल अस्थित तौर पर बताने के लिए तैयार नहीं है। Tragic incident. Nearly 30 people have been evacuated from the building and few people suspected to be trapped inside. Maharashtra Deputy Chief Minister has also reacted to this incident. In fact, he has posted on X and he has basically said that the incident of boiler explosion at Amudan Chemical Company in Dombivli's MIDC is tragic. 8 people were involved in this incident. They have been rescued. That's what it says. Arrangements have been made to treat the injured and more ambulances have been kept ready. I have discussed the matter with the collector. This is Mr. Fadnavis, Devendra Fadnavis, also the Home Minister. He also says on X that he has spoken to the collector about this and rescue teams are reaching the spot within 10 minutes. Teams of NDRF and TDRF Fire Brigade have been called. I pray to God for the speedy recovery of the injured. This is what the Deputy Chief Minister has said.